हेलो गाइस, तुम्हारा भाई आ गया है फर्स्ट ब्लॉग के साथ। तो गाइस, अब आज हम लोग जा रहे हैं रायगढ़ सिटी, जो कि आजकल बहुत सुर्खियों में है इंस्टाग्राम में। इसका इंस्टाग्राम का पेज भी है। और गाइस, रायगढ़ सिटी में हो रहा है गणपति और ऑटो मॉल में आज नीलामी है, जो कि 5 जून को। लेकिन भाई, हम तो जा रहे हैं बस एक ही मकसद से हमारा, जो कि हमारा मोंटी ब्लॉग, जो बोले हैं भाई वहाँ हम मिलेंगे करके अपने सब्सक्राइबरों से। तो इसीलिए अपन जा रहे हैं, और चलो देखते हैं उसे मिलते हैं, अगर मिल पाते हैं कि नहीं वो भी एक बात है, क्योंकि भाई इतने बड़े यूट्यूबर हैं भाई, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो भी है, क्योंकि मिलना तो वो सबसे चाहते हैं, लेकिन क्या होता है टाइम का पंक्चुअल होता है, टाइम नहीं दे पाते हर सब्सक्राइबरों को, क्योंकि भाई इतने सारे सब्सक्राइबर आएंगे वहाँ, 27 लाख कुछ सब्सक्राइबर हैं भाई का। तो देखते हैं भाई अच्छे से चला ले गाड़ी, ऐसे चला रहे हैं। सो गाइस, देख सकते हो कितना भीड़ है यहाँ पे आज 5 तारीख को, क्योंकि आज नीलामी हो रहा है यहाँ पे। चलो हम भी गाड़ी को पार्क करते हैं और अंदर जाते हैं, और फिर देखते हैं कि किस तरीके से नीलामी होती है, क्योंकि हमें फर्स्ट एक्सपीरियंस लेना है भाई। देखो यार कितना भीड़ है, बहुत क्राउड है। पार्किंग देखते हैं, क्राउड तो बहुत सारा है यहाँ। हाँ, यहाँ पार्क कर सकते हैं। सो गाइस, देखो यार यहाँ पे हमें पार्किंग का जगह नहीं मिल रही, इतना भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं मोंटी भाई से। तो क्योंकि जनरली वो आते हैं और चले जाते हैं वीडियो बना के, कभी भी वो पता नहीं चल पाता, लेकिन आज उन्होंने बोला है कि मिलना है हमसे करके। तो सब्सक्राइबर लोग आ सकते हो मेरे से मिलने के लिए, मैं फ़ोटो भी क्लिक करवाऊंगा करके। तो बहुत लोग उसके लिए, हम भी उसी के लिए आए हैं, ताकि हम लोग भी मिल सकें और देख सकें नीलामी कैसे होता है। तो चलो यहाँ से टर्न लेते हैं और देखते हैं भाई, पार्किंग का जगह मिल जाएगा, लेकिन तो गाइस हम यहाँ पर पहुँच गए हैं जो वेन्यू है गणपति ऑटो मॉल। तो चलो चलते हैं, लेकिन भाई हमको ये लग रहा है अंदर का तो टेम्परेचर एसी में आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन अभी बाहर निकलेंगे तो हमको पता चलेगा, क्यों भाई? हाँ बोल, गर्मी। चलो निकलते हैं बाहर, अपन देखते हैं कौन सा गाड़ी लेके जाएंगे भाई। मैं सोच रहा हूँ यार मेरा गाड़ी रिप्लेस करूँ, क्रेटा ले लूँ, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे हैं। एक बार आया भी था यहाँ पे, देखो बहुत भीड़ है यार आज, इधर भी पूरा लगा है, टेंट वेंट लगा है, इधर भी लगा है। तो चलो चलते हैं अंदर, अभी देखते हैं बहुत सारा, ये नीलामी तो चालू ही है मेरे हिसाब से। चलो मज़ा आएगा, अंदर चलते हैं। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until
देखो भाई बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं कि मिलते नहीं है भाई, लेकिन मैं ऐसे सोच के आया था कि मैं शायद ही मिल पाऊंगा, शायद ही बात कर पाऊंगा, लेकिन मजा आया कि नहीं तू बता? मजा आया हद से ज्यादा मजा आया, लेकिन भाई गर्मी में परेशान थे, लेकिन आ जाएंगे यार। भाई मेरे को तो बिल्कुल मन नहीं है घर जाने का। तो भाई हमारे लिए गन्ना जूस लेके आ गए हैं, तो चलो खोल देते हैं दरवाजा को। ले यार, तू तो बोल रहा था गोला खाएंगे। अरे गोला नहीं मिला। नहीं मिला, ठीक है। तो देखो गाइस गन्ना पी रहे हैं, अरे ये इसको देखो कैसे पी रहा है। तो चलो पीते हैं। सो गाइस पी के मजा आ गया, तो जा भी जल्दी छोड़ के इसको। मम्मी फोन की थी, मेरी मम्मी कुछ खा के मत आना दोनों घर में खाना, इसलिए गाइस हम कुछ खा नहीं रहे हैं, जाएंगे अभी घर में, अभी खाना खाएंगे। तो इस ब्लॉग को आज यहीं एंड करते हैं। सो गाइस हमने गन्ना जूस पी लिया और घर से कॉल आया था कि तुम कुछ खा के मत आना, क्योंकि घर में खाना बन चुका है, तो अपन यहाँ कुछ खाए नहीं है। तो चलो चलते अब घर और इस ब्लॉग को एंड करते हैं साथ। तब तक के लिए बाय बाय।